नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। ये है भारत के दो प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म ईस्वी सन 476 में कुसुमपुर पटना में हुआ था। यह सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय हुए थे। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराह मिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्धि और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट के बाद लगभग 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्होंने ज्योतिष पर महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषयों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता था। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिनके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। आर्यभट्ट के बोलिस सिद्धांत यानी सूर्य चंद्रमा ग्रहण के सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आर्यभट्ट द्वारा निश्चित किया वर्षमान टॉलमी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट के प्रयासों द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। बीज गणित में भी सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की और उन्होंने ही सबसे पहले साइन के कोष्टक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही समीकरणों का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया। बीज गणित में उन्होंने कई संशोधन संवर्धन किए और गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धांत प्रचलित किया। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की कई बातों के अलावा खगोल शास्त्र की गणनाएं और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का भी समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखी। भास्कर के तीन अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य। खगोल और गणित शास्त्र इन दोनों क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट ने सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है, वह आजकल के माप से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसे AU यानी एस्ट्रोनॉमिनल यूनिट कहा जाता है। इस अनुपात के आधार पर ये सूची बनती है। बुध आर्यभट्ट का मान 0.375 AU, वर्तमान मान 0.387 AU। शुक्र आर्यभट्ट का मान 0.725 AU, वर्तमान मान 0.723 AU। मंगल आर्यभट्ट का मान 1.538 AU, वर्तमान मान 1.523 AU। गुरु आर्यभट्ट का मान 4.16 AU, वर्तमान मान 4.20 AU। शनि आर्यभट्ट का मान 9.41 AU, वर्तमान मान 9.54 AU। आर्यभट्ट की तरण ब्रह्मगुप्त ईस्वी सन 598 में जन्म और 668 में मृत्यु। ब्रह्मगुप्त को भारत के सबसे बड़े गणितज्ञों में गिना जाता है।
आर्यभट्ट की तरह ब्रह्मगुप्त ईस्वी सन 598 में जन्म और 668 में मृत्यु। ब्रह्मगुप्त को भारत के सबसे बड़े गणितज्ञों में गिना जाता है। वे खगोल विज्ञान में भी गहरी रुचि रखते थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको गणक चक्र चूणामणि कहा है और इनके मूलांकों को अपने सिद्धांत शिरोमणि का आधार माना था। उल्लेखनीय है कि भास्कराचार्य द्वितीय 11वीं सदी में हुए थे। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में ईस्वी सन 598 में हुआ था। ब्रह्मगुप्त उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने दो ग्रंथ लिखे। पहला ब्रह्मस्फुट सिद्धांत 628 ईस्वी और दूसरा खंड खाद्यक 665 ईस्वी। खलीफाओं के राज्यकाल में इनके अनुवाद अरबी भाषा में कराए गए थे, जिन्हें अरब देश में अल सिंध हिंद और अल अरकंद कहते थे। भारत के सूर्य सिद्धांत पर आधारित अरब में भी ज्योतिष और खगोल का प्रचलन हो गया था। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के 4.5 अध्याय मूलभूत गणित को समर्पित हैं, जिसमें शून्य का एक विभिन्न अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का एप्रोक्सीमेट फॉर्मूला तथा एग्जैक्ट फॉर्मूला भी दिया। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।